करनाल जिला प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन का ऐसा करने का मकसद सड़क हादसों में कमी लाना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सहकारी चीनी मिल परिसर में जाकर वहां मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई। यहां पर डीसी ने किसानों को संबोधित करते हुए सड़क सुरक्षा के उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया। एडीसी कम सचिव आरटीए विना हुड्डा व चीनी मिल की एमडी आदिति ने भी ट्रालियों पर ई रिक्शा पर टेप लगाई। किसानों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सर्द मौसम के गहराते ही धुंध की शुरुआत हो जाती है। जब यह घनी होती है तो सड़क पर दुर्घटनाएं घट जाती हैं, जिससे जान माल का नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप एक सस्ता व बचाव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, जो वाहनों विशेषकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर अवश्य लगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गन्ने के सीजन में ही क्यों बल्कि वैसे भी ट्रालियों के पीछे टेप का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि रिस्क से बचा जा सके। धुंध में इसके ना होने से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और अधिकतर नुकसान ट्राली में टकराने वाले कार या दोपहिया वाहन का होता है। इसीलिए हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि ऐसे वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप अवश्य लगाएं। उसे देखकर पीछे वाला वाहन स्पीड कम कर लेता है और उससे बचाव हो जाता है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे स्वयं भी और दूसरों को भी ऐसे उपाय अपनाने के लिए जागरूक करें, ताकि सड़क पर दुर्घटना से किसी का नुकसान ना हो। ऐसे हादसों में जब किसी की मौत हो जाती है तो परिवार की जिंदगी नरक बन जाती है। आपको बता दें कि इस मौके पर आरटीए कार्यालय की ओर से करीब 200 रिफ्लेक्टिव जैकेट मेल कर्मचारियों व किसानों को वितरित की गई और 150 ट्रालियों पर निशुल्क रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई। इसके लिए आयुक्त ने आरटीए सचिव का विशेष रूप से धन्यवाद किया। इस कार्य में सहयोग देने वाली ट्रैफिक पुलिस को भी धन्यवाद दिया। कार्यक्रम स्थल पर आरटीए कार्यालय की ओर से वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा के उपाय दर्शाने वाले फ्लैक्स, बैनर व स्टैंडिंग लगाई गई थी। इस अवसर पर आरटीए कार्यालय के निरीक्षक जोगिंदर ढुल, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य रमन मिड्डा, हाईवे ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक अशोक भारद्वाज, केन मैनेजर वजीर सिंह बेनीवाल, राजपाल लाठर व प्रदीप उपस्थित रहे। उसको दूर से दिख जाएगा कि सामने कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है और उस हिसाब से अपना वो स्पीड कम कर लेगा या कोई प्रिवेंटिव मेजर ले सकता है। तो ना केवल आप खुद इस मामले में आज जागरूक होकर जाएं, बल्कि आपके जितने भी साथी हमारे सेंटर में, समाज में, पड़ोस में हैं, उनको भी इस चीज़ को लेकर के जागरूक करें कि रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हादसे में जब किसी के परिवार से कोई किसी सदस्य की मौत होती है तो वो पूरी ज़िंदगी वो चीज़ जो है वो बड़ी सालती है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों पर हमने ध्यान दे दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो हम सब की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि हम ये चीज़ दूसरों को भी सबको जागरूक करें। तो आज इसमें जो हमारे करनाल ज़िले के आरटीए विभाग है, इन्होंने सेक्रेटरी आरटीए जो मैडम है हमारी, इनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा रोल प्ले चलाया है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब लोग जो है ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.